हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आइबुजेसिक प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। आइबुजेसिक टैबलेट का उपयोग बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द आदि में किया जाता है। यह एक पेन किलर टैबलेट है। इसके साथ इसमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के गुण समाविष्ट है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। इसे कब तक यूज करना सही है, इसे यूज करने का सही तरीका, इसके क्या क्या फायदे है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सिप्ला कंपनी की ये 20 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 22 रुपए में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके कंटेंट की। इसमें आइबुप्रोफेन आईपी 400 एमजी, पैरासीटामोल आईपी 325 एमजी ये कंटेंट समाविष्ट है। आइबुप्रोफेन यह एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोकता है, इस वजह से दर्द में राहत मिलती है। पैरासीटामोल यह ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की। आप इसे किन किन समस्याओं में यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बुखार, सिर दर्द, मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, दांत का दर्द, हड्डी टूटने के बाद होने वाला दर्द, कान का दर्द, मानसिक धर्म में होने वाला दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, बोन फ्रैक्चर के बाद होने वाला दर्द, इन सभी समस्याओं में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। डोज आप अपनी समस्या बताकर इसका डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप इसे सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको इसमें मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी हो तो भी आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको पेट दर्द, उल्टी, अपचन, गैस, कब्ज, चक्कर आना ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप अति संवेदनशीलता से पीड़ित हैं तो इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप लिवर डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा ऐसी समस्याओं से पीड़ित है तो इस टैबलेट का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप पहले से कोई अन्य पेन किलर टैबलेट या फिर विटामिन के टैबलेट खा रहे हो या फिर अन्य कोई आपकी टैबलेट चालू हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। इस वजह से इस टैबलेट के साइड इफेक्ट ड्रग इंटरेक्शन होने की संभावना कम होती है। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।